देता हूँ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आपके साइड यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है कि कुछ बच्चे जो डेड हो गए आईडी उनकी, तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम कुछ करें। देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन जिन की आईडी डेड होती है ना, वो कैंडिडेट खुद जिम्मेदार हैं। ये उनका वो नहीं होता एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों का कि उनको, सभी को पता है कि लाइसेंस भी एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद आपका रिन्यू करवाना पड़ता है, एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद आप लाइसेंस लेके घूमोगे तो आपका चलाना कटेगा या कटेगा? धुआं पर्ची 6 महीने की बनती है, 3 महीने की बनती है, 1 साल की बनती है। धुआं पर्ची एक्सपायर होने के बाद आपका चलान कटेगा ही कटेगा। 1 साल का आपका बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, जो गाड़ी का, बाइक का, स्कूटी का, जो भी है, वो आपका एक्सपायर हो गया, आपको रिन्यू फिर से करवाना पड़ेगा, उसके पैसे लगेंगे। तो हर एक चीज़ का क्राइटेरिया होता है, आपको करना ही पड़ेगा। वो वैसे ही सक्षम में है, ये बच्चे समझ ही नहीं रहे। फ़ोन कर रहे हैं कि आप इसके खिलाफ हम कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे यार, कमाल की बात है ना, अदना ये तो वही वाली बात होगी। कल मेरा पेपर है, मैं कल पेपर नहीं दे पाया, तो मेरा पेपर परसों लिया जाए? नहीं लिया जा सकता, रूल के हिसाब से 6 महीने लिया जाएगा। फॉर्म भरो, 6 महीने लगेंगे या फिर 1 साल लगेगा। आपने पेपर दिया क्यों नहीं? आपकी गलती तो आपकी है ना। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, जो गलत को गलत और सही को सही बताई जानी चाहिए। अब ये देखो कि ये जो आईडी डेड होती है, टोटली कैंडिडेट के हाथ में होती है। चाहे लॉकडाउन में उसने बोला कि लॉकडाउन मेरी आईडी 2020 में डेड हो गई थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं आया। अरे मैंने भी लॉकडाउन में ही अपनी आईडी करवाई थी और सभी को करवाया था। कोई एक ऐसा कैंडिडेट बोल दे कि जिसकी रिन्यूअल डेट उसी मंथ है और हो नहीं रही हो। जैसे कि मान लीजिए अगस्त चल रहा है, 1 अगस्त से 30 तक 31 तक जो भी आपकी रिन्यूअल डेट है वो कभी भी कर सकते हो, अगस्त के महीने में, अगर आपकी 2023 है तो। और कोई ये बोले कि मेरी अगस्त 2023 है और हो नहीं रही, फिर बताओ मेरे को, कमाल की बात है। ऐसे नहीं चलता दोस्त, जैसे जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना कि ऐसे हो जाएगा, ना 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 ना, ये हैं पागल बनाने वाली बात कि अब ये वोटों का टाइम आ रहा है, ये कुछ कर देंगे। वोटों का टाइम आए या कुछ भी आओ, अगर आपकी धुमा पर्ची एक्सपायर होगी तो होगी, चलान कटेगा 100% ऑटोमेटिकली है। जो एक टाइम बाउंडेशन होता है, उस टाइम बाउंडेशन तक ही तो सीमित कोई भी चीज़ वो काम करती है भाई। यार ऐसे तो तुम ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना शोभा नहीं देता भाई। कोई भी मतलब कुछ ही बोल देता है कि हम डिवार्ड हो गए, धरना कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे। कर लियो, किस लिए करोगे? सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरियों के अलग से पोर्टल होता है। प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट की अलग से पोर्टल होती है। DC8 पे चाहिए, HKRN आ गया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम आ गया। नॉर्मली भत्ता चाहिए, सक्षम योजना है। सक्षम योजना में बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे तो दिया, किसी किसी को काम मिल जाता है। ऊपर से खट्टर ने कई बार बोल चुके हैं कि ये सिर्फ काम के लिए नहीं है, ये आपको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए है। डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी तो आपसे काम करवा लेंगे 15 दिन 12 दिन 14 दिन, उसके आपको पैसे दे दिए जाएंगे। नहीं पड़ती तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, कमाल की बात है। अब वोट आ रहे हैं, अरे वोट तो आते रहेंगे, हर 5 साल में आते हैं। तब कितना धरना प्रदर्शन कर लो ये। अब ये देखो, बूढ़े धरना प्रदर्शन करते हैं क्या, ये बताओ? उनकी बूढ़ों की हर साल ये मतलब 250 रुपये बढ़ाई जा रही है। अब दूसरी पार्टी है वो चुनाव में अगर वादे करेंगे अलग अलग कि हम 4,000 कर देंगे, हम 5,000 कर देंगे, ये बूढ़ों ने धरना प्रदर्शन कराया क्या, या फिर उन्होंने को ज्ञापन सौंपा है? अरे भाई, ये ऑटोमेटिकली चीज़ होती हैं, वोट सभी को पता आ रहे हैं। ये भी अपने आप कुछ करेंगे तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब इसमें आ जाएंगे राज्य प्रधान, फलाना प्रधान, दिगड़ा प्रधान, मैं सभी को तो एक दिशा देके नहीं चलता। तो कुछ कैंडिडेट हैं, एक लड़का है कि पवन कासवान, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो मतलब चाहे वो प्रधान है या नहीं, मेरे को उसके बारे में नहीं पता, ठीक है, शायद हो भी सकता है क्योंकि वो प्रधान के लायक भी है। वो अपने काम, अपने डिस्ट्रिक्ट में जिसकी सैलरी नहीं आती उसको मदद करता है, ग्रुप बना रखा है, हर चीज़ की अपडेट देता है। ऐसे होते हैं भाई प्रधान, आगे होके काम करने वाले, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ठीक है, कैंडिडेट बैठे हैं, अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब अपना सिक्का चमका देते हैं। क्योंकि पता ही है, जब नॉर्मली चीज़ है, अगर आपके पास अब थोड़े दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के दौरान तो सभी अपने आप वादा करते रहते हैं। ये सरकार भी अपने आप वादा करेगी कि बूढ़ों के 3,000 पेंशन कर दी, हम की बार 3,500 कर देंगे, 4,000 कर देंगे, 5,000 कर देंगे। ऑटोमेटिकली होता भाई साहब, ये आपको करने की जरूरत नहीं होती, बस इसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। अब मैं बोल दूँ कि मैं धरना प्रदर्शन करके मैं सक्षम में कुछ चेंजेस करवाऊंगा, सरकार बदल गई, सक्षम में उन्होंने चेंजेस अपने आप कर दिया, मैं बोल दूंगा देखो मैंने करवा दिया चेंजेस, याद रखोगे तुम भी? ऐसे होता भाई, ये तुम समझ नहीं रहे हो साइकोलॉजी क्या चल रही है इनके मन में। यार साइकोलॉजी पढ़ो भाई, आपको टोटली फद्दू बनाया जा रहा है,
टोटली फद्दू, ऐसा यूट्यूब पे कोई बंदा नहीं मिला है जो इतनी क्लियरली बात बता दी आपको। हर एक चीज़ चाहिए जो आपको, उसके हर एक चीज़ अलग अलग होती है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की, डीसी रेट की, सक्षम योजना का नोटरी भत्ता ले रखा है, तो हर एक चीज़ आपको क्लियरली बता दी है, फिर भी आप मतलब अंधाधुंध शिकार कर रहे हो तो क्या बता सकते हैं आपको। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे तो कलक भी हड़ताल पर गए थे, 3500 चाहिए, 45 दिन धरना प्रदर्शन किया, मिल गया नहीं मिलता, वाकई बात है, क्योंकि इनको पता अभी इलेक्शन में टाइम है, हो सकता है उसी टाइम पे खड़े हों, उसी टाइम पे खड़े हों कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसे ऐसे ज्ञापन भाई साहब बहुत ज़्यादा दे लिए, हमने पहले वीडियो भी बनाई थी ज्ञापनों की, आपको याद हो तो हर एक चीज़ की वीडियो आती थी अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर मैंने सारा डिलीट कर दिया। ये फालतू की है ना चौचलागिरी है, फालतू का टाइम वेस्ट है, किसी लड़के पे कोई केस हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम नहीं चाहते किसी बर्बाद हो। 1500 के चक्कर में मान लो क्या हो गया, ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी गया, 1500 से आपके मंथली 2500 कर दिए, 3000 रुपये कर दिए, ग्रेजुएशन वालों को नॉर्मली बोल रहा हूँ, उसमें ज़िंदगी निकल जाएगी क्या? क्या आप पूरी ज़िंदगी 3000 रुपये में अपनी ज़िंदगी निकाल लोगे क्या यार? आपको कुछ तो करना पड़ेगा वो दोस्त, लोगों का 25-25 हज़ार 30 हज़ार में सैलरी आती तो उनमें उनका नहीं बढ़ रहा, आप सोच रहे 3000 में बढ़ जाएगा क्या? थोड़ा सोच को तो बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ फ्री की चीज़ की आदत बहुत ही गलत होती है। फ्री चीज़ चाहे आपको कोई भी देना, तुरंत मना कर दीजिए, क्योंकि फ्री चीज़ मैं आपको देता रहूँगा। एक दिन जिस टाइम पर मैंने देनी बंद कर दी, उस टाइम पर आपको बहुत गहरा धक्का लगेगा कि मेरे को चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलेगी वो भी चीज़। इसलिए अपना खुद इंतज़ाम करो हर चीज़ का, और खुद अपना हर एक चीज़ सेटलमेंट करो, तभी आप जीवन में कामयाब हो पाओगे। ऐसे फ्री के पैसे ये तो वो चीज़ हैं, आपको ज़्यादा माइंड भी नहीं करना चाहिए, आगे तो ठीक ना आगे तो भी ठीक, कि 1500 के लिए ही हम बने हैं, तो 1500 लेकर के खुश हो, इसका मतलब तो तुम 1500 लायक भी नहीं हो। कोई आदमी को नौकरी मिल जाती हो यार नौकरी मिल गई, इसका मतलब वो 20000 रुपये ले रहा है, 30000 रुपये ले रहा है, वो 30000 रुपये लायक है नहीं, तभी तक खुश हो रहा कि वो मेरे को 30000 रुपये मिल गए, कमाल की बात है। किसी ने मेहनत करी है तो वो फिर ऐसे दिखाएगा कि हाँ यार मेहनत करी, नौकरी लगना ही था, एटीट्यूड उसका अलग, एटीट्यूड अलग ही होता है, और जिसको ये लगता है नौकरी नहीं लगना था वो लग जाता, वो ज़्यादा खुश होता है। और एक जो नॉर्मली बड़ी तैयारी की नौकरियाँ करते रहते, बड़ी जो नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं लड़के लड़कियाँ, उनको छोटी नौकरी मिल जाती है ना, वो खुश ही नहीं होते, वो जॉइन ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता कि हमारा ये लेवल है ही नहीं। भाई ऐसी ऐसी बातें मैं आपको क्या बताऊँ, बताने लगा तो पूरा दिन बैठ जाएगा, इसलिए थोड़ा अपने ऊपर भी देखें, ध्यान देखें कि समाज में क्या चल रहा है, समाज आपका कैसे फ़ायदा उठा रहा है। ये नहीं कि कोई किसी ने भेड़चाल चला दी कि आ जाओ वैसे करेंगे, कुछ नहीं होना भाई। जो इलेक्शन टाइम पे होगा वो ना तो आपके कहने से होगा, ना मेरे कहने से होगा, वो अपने आप करेंगे। ये इनके सामने मंत्री MP MLO के सामने इतने सारे पेज आते हैं, क्या हो जाएगा? हम एक पेज दे देंगे, हमने एक पेज दे दिया करनाल में, हमने एक पेज दे दिया पंचकूला में, ऐसे पेज उनके सामने बहुत पड़े रहते हैं भाई, कुछ फर्क, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 2017 से स्टार्ट की थी मैंने वीडियो बनानी, मैंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए, बहुत सारे ज्ञापनों की वीडियो बनाई, हर एक चीज़ की वीडियो बनाई, हुआ चेंजेस कुछ? बताओ हुआ हो तो। बल्कि ये अपने मर्जी से चेंजेस कर रहे हैं कि अब ये दोबारा से, अब ये चेंजेस करने वाले थे, अब ये डेड होगी ना, अब इन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया कि जो डेड होगी उसको 3 साल में बता देंगे, कर लो क्या करोगे? कोई किसी ने किया हो ज्ञापन बहुत ज़्यादा दिए हैं, मैं ये नहीं बोलता कि प्रयास मत करो, लेकिन उस प्रयास का भी क्या कर लोगे कि जब आपको चीज़ पता है कि मेरे को पहाड़ पे चढ़ना है, उस पहाड़ पे चढ़ के मेरे को वापस आना है, अरे पहाड़ पे चढ़ के जब कुछ मिलना ही नहीं है, पहाड़ पे चढ़ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ना चढ़ गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़ायदा तो नहीं होना, क्या मिलेगा फ़ायदा? बोल रहे हो कि हमें TA मिलना चाहिए, बहुत सारे ज्ञापन आए थे पहले कि हमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए, काम देने बंद कर दिए, ले लो TA अलाउंस, कहाँ से लोगे ट्रैवलिंग अलाउंस, मिलेगा? अरे भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। आप जो आपको सिर्फ वही दिलाया जा रहा है जिसके आप शायद लायक भी ना हो, ऐसा यहाँ पे ये जो बड़े बड़े आदमी हैं ये साइकोलॉजी समझ जाते हैं, दिमाग को इनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो भाई आपको अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपके मन में 2 मिनट के लिए उबाल आ गया, हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, नहीं आप भी तो सोचो कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कमाल की बात है, किसी बातों में मत आओ। आपको जो खुद का दिमाग, बड़े बूढ़े नहीं बोलते थे कि सुनो सबकी करो मन की, तो भाई सबकी सुनो,
हमेशा एक लीडर वही होता है, एक लीडर हो गया, 5-7 बंदों ग्रुप में हो गया, वो सभी की पहले बात सुनेगा, भाई तूने लड़ाई की थी, तूने लड़ाई की थी, उसकी सबकी बात सुन के फिर वो अपना एक ज्ञान देगा। ऐसे बनो भाई, सुनो सबके पहले, फिर अपने मन की करो। क्या कर रहे हो यार, ऐसे तो कामयाब होने वाले रास्ते तो है नहीं है। बाकी आपकी मर्जी क्या है, छोटी सी चीज़ खुद की चीज़ पे, खुद की मिस्टेक पे बाहर हो गए, अब बोल रहे हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे धरना प्रदर्शन करने जरूरत ही नहीं होती, एक साथ एक महीने पहले एक्टिव होता तो, 2 महीने पहले एक्टिव होता तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी वीडियो से ही एक्टिव होता है, नहीं, आप में खुद ज्ञान होता है। बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत नौकरी नहीं लगे हुए लेकिन उनमें ज्ञान की कमी नहीं है, ऐसे होते हैं यार। 5 अंगुलियां हैं, 5 में 5 बराबर थोड़ी होती हैं, एक सबसे छोटी है तो सबसे मोटा है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे छोटी है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सारे एक जैसे हो गए तो सारे भगवान बन जाएंगे, सारे एक जैसे हो सारे चोर बन जाएंगे, सारे एक जैसे हो सारे पुलिस वाले बन जाएंगे। भाई सभी को अलग अलग दुनिया भी चलानी है, ठीक है। ऐसे ऐसे ज्ञान में कोई दिन दे दूँगा, वीडियो बंद करनी पड़ेगी। ओके भाई।